हमारे YouTube चैनल नीम द बेस। मैं मंदीप बिस्ला, फिजिक्स फैकल्टी। आज से हम शुरू करेंगे 12th क्लास का फिजिक्स। फिजिक्स का सिलेबस शुरू करने से पहले चलिए थोड़ी सी जनरल नॉलेज बढ़ाते हैं कि फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी यूनिट ज्यादा जरूरी है, कौन सी यूनिट कम जरूरी है। इसके बारे में पढ़ने के लिए हम शुरू करते हैं कि एक छोटा सा शब्द है जो 10th क्लास में पढ़ा था, जिसके बारे में हम काफी कुछ नॉलेज गेन कर चुके हैं, चार्ज। चार्ज क्या है? कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिक रिपल्सन या इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन दिखाए, उस बॉडी को हम नाम देते हैं कि वो बॉडी चार्ज्ड है। जब किसी एटम के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कम ज्यादा हो जाए, बराबर ना रहे, तब हम कहेंगे कि वो बॉडी चार्ज है। अब चार्ज को हम पढ़ेंगे, चार्ज को जिस तरह 12th क्लास में हमने पढ़ी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरह से हो सकता है, या तो रेस्ट में हो सकता है या फिर मोशन में हो सकता है। और मोशन भी हमने दो तरह का पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जब हमने चार्ज को रेस्ट में पढ़ा तो 12th क्लास में उसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स है हमारी 12th क्लास की पहली यूनिट। सारी पूरी यूनिट के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि चार्ज रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, किस जगह पर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दो प्लेट के बीच में है तो उसके अंदर हम किस तरह से उसको पढ़ सकते हैं, उस दो प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना होगा, साइड में कितना होगा, वगैरह वगैरह। जब हम यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं तो 10th क्लास में पढ़ा था फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो दूसरी जो यूनिट है हमारी वो है करंट, दूसरी यूनिट। तीसरी यूनिट है कि जब चार्ज मोशन में होता है तो करंट, और करंट के चारों तरफ जो फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक के साथ साथ मैग्नेटिक भी होता है। ये 10th क्लास में पढ़ चुके हैं और जो 10th क्लास की यूनिट थी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसका थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है 12th क्लास के अंदर, थर्ड यूनिट। और फोर्थ यूनिट जो है, जो हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो पढ़ा था जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में 10th क्लास में, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हम थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लेंगे 10th क्लास के बजाय। जब चार्ज चलता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो करंट तो होगा ही होगा क्योंकि चार्ज चल रहा है भाई। अब जब यूनिफॉर्म है तो वो करंट है अपने चारों तरफ सिर्फ दो फील्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब चार्ज मूव करना शुरू कर दे नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर तो वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ एक एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, मैग्नेटिक का मतलब मैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे मूव करती रहती है। हमारे जो मोबाइल है, टीवी है, वो सब कुछ किसकी वजह से चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से। अब चलिए ये पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी यूनिट कम। जैसे कि ये यूनिट का है फिफ्थ यूनिट हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स यूनिट आती है हमारी 7 से 8 मार्क्स की। एग्जाम के अंदर 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर से। दूसरी यूनिट है हमारी करंट। करंट में से एक क्वेश्चन बनता है 5 मार्क्स का, या तो पोटेंशियोमीटर बनेगा या व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा। अब एक 5 नंबर का क्वेश्चन आने के बाद ये यूनिट कितनी रहेगी, ये यूनिट आती है 6 से 8 मार्क्स की। तीसरी यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म भी है भाई, ये यूनिट होती है हमारी नियर अबाउट 9 मार्क्स की, और इसमें से भी एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है।
फोर्थ यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हमारी यूनिट है, ये यूनिट आती है 7 से 8 नंबर की। 5 नंबर का क्वेश्चन बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आए, लेकिन ज्यादा क्या होता है कि कई बार 2 क्वेश्चन आपस में मिला देता है और पूछ लेता है सिंपल क्वेश्चन के अंदर। तो एक 5 नंबर का यहां से मिला। हमारे 5 नंबर के कितने क्वेश्चन हो गए? 1, 2, 3। ये 3 यूनिट है जिनमें से 5-5 नंबर का एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर हम पांचवी यूनिट की बात करें, पांचवी यूनिट आती है हमारी 3 नंबर की। इस यूनिट में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है 1 नंबर का और एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर में, तो ये लगभग 3 नंबर। अब टोटल मार्क्स कितने हो गए हमारे? टोटल मार्क्स हो गया हमारा आधा सिलेबस, और आधे सिलेबस का मतलब आधे मार्क्स, लगभग 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर हमारा पहली 5 यूनिट में से होगा। और इस 35 में से हम अगर थोड़े थोड़े भी पढ़े तो 33-34 मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं, बहुत आसान। अब चलिए इसे आगे पढ़ते हैं कि 5 यूनिट के बाद जो यूनिट्स हैं, बाकी की बची जो 5 यूनिट, वो यूनिट कितने मार्क्स की आएगी, कितनी इंपॉर्टेंट है यूनिट्स। चलिए, जो छठी यूनिट्स है हमारी, उसका नाम है ऑप्टिक्स। जो 10th क्लास में पढ़ी थी रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग वगैरह, वही सब कुछ हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के अंदर, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा। थोड़ा सा ज्यादा का मतलब यहां पर हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, सुपरपोजिशन वगैरह। और ये यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है, क्योंकि इस यूनिट में से जो एग्जाम आता है वो 10 से 11 मार्क्स का आता है। और एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो यहां से भी बनेगा, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर है 6th यूनिट में से। अब यूनिट है 7th यूनिट होती है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। मैटर का मतलब एक ऐसी चीज जिसके पास मास हो। अब रेडिएशन है, लाइट है, लाइट की ड्यूअल नेचर हमने पढ़ ली ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में रे नेचर पढ़ी, पार्टिकल नेचर, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर हमें वेव नेचर पढ़ते हैं। अब ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल मास, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो उसके पास क्या होगी, वेवलेंथ होगी। ये बात डी ब्रोगली ने प्रूव की, और वो प्रूव की हमारी 7th यूनिट में, जिसके लिए डी ब्रोगली को क्या मिला था, नोबेल प्राइज। ये यूनिट लगभग 5 मार्क्स किया। इसके बाद जो 8वीं यूनिट है, 8वीं यूनिट केमिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स है, फिजिक्स हर साइंस की बेस है, जितनी भी साइंस निकली है केमिस्ट्री बायो वगैरह, वो सब फिजिक्स के अंदर से निकल के आई है। तो जो एटम और न्यूक्लियाई है, इसके बारे में सबसे पहले पढ़ा था फिजिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री को दिया गया ये पोर्शन। अब जो एटम और न्यूक्लियाई आप लोग पढ़ोगे, इसमें वही पढ़ना है जो 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा था, रदरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, भाई रदरफोर्ड का मॉडल बताइए, नील आर्म बोर का मॉडल बताइए, ये वगैरह। अब न्यूक्लियाई के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अब न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, ये सब कुछ। और ये जो यूनिट है, ये यूनिट हमारी 6 से 8 मार्क्स की आती है, और इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि वो पूछ ले लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, या फिर वो पूछ ले न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, दोनों एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर अलग अलग पूछेगा तो वो क्वेश्चन 3 मार्क्स का बनेगा। अब नौवीं यूनिट हम पढ़ते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर, तो पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर के बारे में। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ा इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ोगे आप लोग। अब उसके साथ पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, डायोड और ट्रांजिस्टर वगैरह, ये सब कुछ, ये यूनिट भी 10 से 11 मार्क्स की आती है। इस यूनिट का जो है एक 5 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। जो 10वीं यूनिट है हमारी, वो है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन का मतलब है भाई संचार, जो हमारे मोबाइल चल रहे हैं, टीवी चल रहा है, ये सब, ये किस तरह से चल रहे हैं, इनके सर्किट क्या होंगे, हम
जिस तरह रेडियो है, रेडियो के पीछे जो बटन होता है उसके ऊपर लिखा होता है AM, FM, PM, इन सब के बारे में। AM का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, PM का मतलब होता है फेज मॉड्यूलेशन, FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये सब कुछ पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे कि अगर टावर की हाइट कितनी है तो उसकी रेंज कहाँ तक होगी वगैरह वगैरह। ये जो यूनिट है ये सिर्फ 3 मार्क्स की है। इस यूनिट में एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है और एक नंबर में क्वेश्चन आता है। इस तरह से अगर हम यहां पर देखें तो ये 5 यूनिट भी लगभग 35 मार्क्स की बनेगी अगर इस पूरी सिलेबस के अंदर से सारा कुछ कवर ना कर पाए। हम ये मान रहे हैं कि भाई थोड़ा बहुत हो जाए, हम पास हो जाए, 60 या 70% मार्क्स आ जाए, तो 6 यूनिट याद कीजिए, 9 यूनिट याद कीजिए, और जो 5-5 नंबर के क्वेश्चन हम बता रहे हैं इन यूनिट्स में से आएंगे वो याद कीजिए। बाकी इम्पोर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं हम सिलेबस के साथ साथ उनको बताते चलेंगे, नोट करवाते चलेंगे। आज के लिए इतना ही।